क्या हो अगर आप किसी जनरल स्टोर पर जाओ और आपको वहाँ नोकिया कंपनी का टॉयलेट पेपर देखने को मिले। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, है ना, पर नोकिया कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट टॉयलेट पेपर ही था। जी हाँ, 1865 में फिनलैंड के टेम्पी रीजन में इस कंपनी की शुरुआत एक पल्प मिल के साथ हुई। पल्प मिल वुडन चिप्स को एक फाइबर बोर्ड में बदलती है, जिससे आगे की प्रोसेसिंग के लिए पेपर मिल में भेजा जाता है और इससे पेपर बनाए जाते हैं। इसके बाद कंपनी रबड़ और केबल बिजनेस में भी उतरी और 1990s में टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कंपनी ने अपनी शुरुआत की। फर्स्ट GSM कॉल से लेकर टेक्स्ट मैसेज हो या फिर 3G नेटवर्क का इन्वेंशन, नोकिया का इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल रहा है। और 10 साल से ज़्यादा समय तक नोकिया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन वेंडर रहा है।